हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के कुछ ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में जो आज तक किसी के समझ में नहीं आया है। ये वो रहस्यमय कहानियां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में दुनिया में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल ही परे हैं। सो बिना किसी देर के लेट्स डाइव इनटू द टॉप 5 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो हमारा लास्ट मिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है, द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि वो किस प्रकार से अचानक ही गायब हो गए थे। सबसे पहली बात करते हैं एक ऐसे नेशनल लीडर की जो सबके दिलों पर अमर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप सबको पता होगा 18 अगस्त 1945 को नेताजी का ताइवान में एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गए। इस बात की क्लेम बहुत की गई, लेकिन ये सच है या सिर्फ एक अफवाह? काफ़ी थ्योरीज और रिपोर्ट्स आई हैं जो ये कहती हैं कि प्लेन क्रैश के बाद भी उन्हें देखा गया था। क्या नेताजी सच में उस क्रैश में गुजरे, या फिर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपा के कहीं और अपना जीवन बिताया? ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन चुका है और इस बात पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी के पास इस बारे में कोई सॉलिड जवाब नहीं है। प्लेन क्रैश सच में था तो नेताजी का बॉडी कहाँ गया, और अगर वो जिंदा थे तो किस वजह से उन्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाई? इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं जान पाएंगे। चलते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधारा में, जो अजनबी वजह से पूरी तरह से खाली हो गया था। कहते हैं कि ये गांव एक रात में बंजर बन गया था, और तब से लेकर आज तक कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं कर पाया है। पर ऐसा क्यों हुआ? उस रात को क्या ऐसा हुआ? कुलधारा की कहानी कुछ ऐसी है। ब्राह्मण रहते थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात ये पूरा गांव अपने घर, अपने खेत और अपनी जमीन छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। कहा जाता है कि इस जगह पर किसी ने श्राप दिया था, और तब से लेकर आज तक कोई वहां रह नहीं पाया है। लोग कहते हैं कि रात को वहां अजीब सी आवाजें आती हैं और किसी की परछाई देखी जाती है। ये कहानी सुनने में तो एक मिथ लगती है, लेकिन कुछ सच में, या क्या कोई शराब लग गया था इस जगह पर, या फिर कुछ और कारण था जो लोगों को गांव छोड़ना पड़ा? ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है जो आज भी लोगों के दिमाग में चुभती रहती है। अब हम आते हैं एक ऐसे फोर्ट की कहानी पर जिसे इंडिया के सबसे हॉन्टेड फोर्ट कहा जाता है, भानगढ़ फोर्ट, जो राजस्थान में स्थित है। इस किले के बारे में कई कहानियाँ फेमस है, लेकिन एक कहानी है जो सबसे ज़्यादा डरावनी है। कहते हैं कि एक तांत्रिक ने इस किले को श्रापित कर दिया था, और उसके बाद ये फोर्ट हमेशा के लिए भूताना बन गया। भानगढ़ के आसपास के लोग आज भी रात को किले के अंदर जाने से डरते हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी नोटिस लगा रखा है कि रात के बाद यहाँ आना मना है। क्या ये सिर्फ यही लोग कहते हैं कि उन्होंने रात को अंदर अजीब रोशनियाँ देखी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें फील की हैं जो वहाँ रात को नहीं होनी चाहिए? तो आखिर सच क्या है? इस राज को आज तक कोई समझ क्यों नहीं पाया है? चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे क्रिएचर की जो हमारी कल्पनाओं का हिस्सा बन गया है, एती। हिमालय के स्नोई माउंटेन में देखा जाने वाला ये जिंट मिस्टीरियस क्रिएचर काफ़ी समय से एक बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। कई ट्रैकर्स और माउंटर्स ने ये एती के बड़े फुटप्रिंट्स और उसकी एक झलक देखने का दावा किया है। सबसे ज़्यादा मशहूर क्लेम शर एडमर्ड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्गे का था, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के क्लाइम के दौरा एती को फुटप्रिंट्स देखे थे। लेकिन क्या एती सच में एग्जिस्ट करता है? अब तक इस क्रिएचर्स का कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिल पाया है, लेकिन लोग कहते हैं कि एती की कहानी सिर्फ एक मिथ नहीं है, ये एक मिस्ट्री है जो एडवेंचरर्स और साइंटिस्ट को हमेशा फैसिनेट करती रहेगी। क्या एती हिमालय के अनरीचेबल रीजन्स में अब भी छुपा हुआ है, या फिर ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है जो हम सबको डराती है? अब बात करते हैं एक ऐसे मिस्ट्री की जो एक छोटी सी बच्ची के गायब होने से जुड़ी हुई है। ये मिस्ट्री एक सिंपल मिसिंग पर्सन केस जैसा लगता है, लेकिन उसके बाद जो डिटेल सामने आए वो हमेशा के लिए एक अनसॉल्व्ड राज बन गए। आशा एक दिन अपने घर से बिना किसी को कुछ बताए चल पड़ती है। ना तो उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी और ना ही उसके पेरेंट्स ने कुछ अजीब बिहेवियर नोटिस किया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने सिर्फ एक जगह कुछ क्लूज पाए हैं, लेकिन वो क्लूज उन्हें किसी अंजाम तक नहीं ले जा सके हैं।
आज तक आशा को किसी ने नहीं देखा। क्या आशा का किडनैप हुआ था या फिर वो खुद अपने इच्छा से गई थी? उसके गायब होने के बाद जो थ्योरीज आए हैं उनमें से कोई भी कॉन्क्रीट प्रूफ के बिना छोड़े गए हैं। एक मिस्ट्री है जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया के कुछ ऐसे अनसॉल्व मिस्ट्रीज जो हमेशा राज बनकर रह गए। इन सब कहानियों का सच क्या है ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि ये मिस्ट्रीज हमारी हिस्ट्री और इमेजिनेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। आपको इन सभी मिस्ट्रीज में से कौन सी सबसे ज़्यादा डरावनी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना